तुमने वो देखा नहीं कि जब दो लोग एक ही गिलास पीते हैं या एक दूसरे का झूठा पीते हैं तो उनका प्यार बढ़ता है। अब मुझे लगा कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कम हो गई है तो बस एक ही गिलास पियेंगे। फिल्मों में नहीं देखा तुमने? Are we seriously doing this? Of course. Why not? क्या कर रहे हैं? तुम्हारी मामा की पुरानी तस्वीरें देख रहा हूँ। पापा, आज जो बात हम आपसे करने आए हैं, अगर मामा होती तो ये बात हम आपसे नहीं करते। हम शादी की बात करने आए हैं। हरगिज़ नहीं। मैंने तुम्हारी मामा से वादा किया था कि मैं उसके बाद किसी से शादी नहीं करूंगा। पापा, हम आपकी शादी की नहीं, अनुशी की शादी की बात कर रहे हैं। अच्छा, लड़का कौन है? पापा बहुत अच्छा है, इनफैक्ट अनुशी के ऑफिस में काम करता है, एसोसिएट प्रोड्यूसर है। अच्छा, ऐसे ऑफिस में है? गुड। मैं समझा वो घटिया बारो शाहरुख। एक्चुअली पापा वो नहीं ठीक है। एक मिनट मैं बाद में बात करता हूँ। भाई ये किसका सामान लेके आ रहे हो? किराएदार का। अबे कौन सा किराएदार? अरे मैंने तो मकान किराए पे दिया ही नहीं है। हवलदार साहब, आप तो कानून के रखवाले हैं ना, आप तो गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकते, राइट? तुम्हारी ये हिम्मत यहाँ दोबारा कदम रखने की। आइए भाई साहब, इधर आइए, इनको जरा कानूनी कागजात दिखाइए। इन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है, आप इनको यहाँ से नहीं निकाल सकते। तुम जाओ, देखो मेरा सामान खराब ना हो। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम भी ये चाहते हैं कि आप हमें ना छोड़ें और हम भी आपको कभी ना छोड़ें। आप कानून के रखवाले हैं, कानून को तो हाथ में लेंगे नहीं। एग्जैक्टली। ग्लूकोज, फॉलो मी। ऑफ कोर्स। हाँ भाई, ध्यान से, सामान को कोई प्रॉब्लम ना हो। खबरदार जो खराब हुआ कुछ नीचे ना गिरे, कुछ खबरदार किसी ने हाथ लगाया मेरे सामान को। क्या बात करें पापा, तो तुम्हारा नाम सुनते ही गुस्से में आ जाता है। तुम मेरा नाम लिए बगैर बात करो ना। तुमने पापा को जो कानून की मान मारी है ना, अब कुछ नहीं हो सकता। मोहब्बत करने वालों के लिए दीवार भी दरवाजा होती है और मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। तुम्हें रास्ता चाहिए या रिश्ता? ऑफ कोर्स रिश्ता, और मैं ये रिश्ता लेके खुद आऊंगा। शाहरुख, पापा तुम्हें मार देंगे। गेटअप करके आऊंगा ना, भेस बदल के, पहचानेंगे तो मारेंगे ना। तुम जो ना फिल्में देखना कम कर दो, ठीक है? और सुनो, तुम तब तक खुद कुछ नहीं करोगे जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूँ। वादे में। अगर तुम ग्लूकोज को अपनी बीवी बनाने का ड्रामा नहीं करते ना तो पापा आसानी से मान जाते। अब क्या बोलूं? सॉरी बोलो और क्या। सॉरी मुझे नहीं पापा को। ओ क्या हुआ? अब बताओ भी क्यों इतने सिस्टम्स बना रखे? यार तुम लोगों ने ना मेरी शाहरुख से शादी करवानी है। ये तो बहुत आसान है अगर तुम पापा को मना लो। तो पापा को मनाऊं कैसे? यहाँ तुम्हारी मदद साइंस कर सकती है। तुम मोहल्ले में कोई नई आंटी आई है? नॉन मेडिकल लोगों साइंस साइंस साइंस। वो कैसे? एक काम करते हैं, मामा की झूठी वसीयत बनाते हैं और पापा के पास ले जाते हैं, वो मान जाएंगे। इसमें साइंस का क्या कमाल है? झूठी वसीयत बनाने में साइंस ही तो इस्तेमाल होगी। सही है भाई, जो इस्तेमाल करना है करो, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। पापा, पापा आपकी बेटियों का आपसे कुछ बात करनी है। शाहरुख की कोई बात नहीं होगी। नहीं नहीं, मामा के बारे में। माँ की बात करनी है। करो। अब पापा हमने ना आपको मामा की वसीयत पढ़कर सुनानी थी। तुम्हारी मामा ने कोई वसीयत भी की थी? पापा आप सुने तो निकाल। हाँ मैं पढ़ के। मेरे प्यारे मौलाबख्श, ये वसीयत जब तक तुम्हें मिलेगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटियों को कभी कोई दुख मत देना। और अताउल्लाह ईसा खेलवी के गाने भी मत सुनाना। केटी चुप करके सुनो। अनुशी सबसे छोटी बेटी है, इसका खास ख्याल रखना। मेरी बेटियों की शादी उनकी मर्जी से करना, खास तौर पे मेरी छोटी बेटी, अनुशी की। औलाद की वसीयत ने मुझे ये जरा वसीयत दिखाना। ये दस्तखत किसने किए? मैंने किए पापा। क्यों ठीक नहीं किए? कितने अफसोस की बात है कि अपने झूठ का सहारा लेने के लिए तुम लोग अपनी माँ को भी इस्तेमाल करोगे जो इस दुनिया में नहीं रही। किसका आइडिया था ये? आज ये वसीयत निकाल के ले आए हो, कल को बाप का निकाहनामा भी निकाल के ले आना, ये भी रिन्यू होने वाला है। ये है बाप की इज्जत। ये निकाहनामा रिन्यू करवाया जा सकता है? सॉरी क्या करेंगे? मीच आएंगे। शाहरुख ने पापा को इतना नाराज कर दिया है कि वो उससे तुम्हारी शादी करने पे कभी राजी नहीं होंगे। तो लड़का तब्दील कर लेते हैं, हो सकता है पापा मान जाए। इससे पापा को मनाने का फायदा क्या होगा? शाहरुख इतनी दफा आया पापा से मिलने और पापा हर टाइम उसकी बेइज्जती करके उसको वापस भेज देते हैं। तो वो हर बार नई बेइज्जती करते थे या वही पुरानी वाली बेइज्जती रिपीट करते थे? देखो शाहरुख कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें ही ये जाहिर करना होगा कि तुम शाहरुख के बगैर नहीं रह सकते। गाइस मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान? प्लान ये है कि अनुषी तुम घर से भाग जाओ। शाहरुख के साथ? अनुषी मैंने सिर्फ ये सोचा है कि तुम घर से भाग जाओ, कब और किसके साथ ये मैं सोच रही हूँ। अरे तुम नहीं ना, एक काम करते हैं, हम पापा को डराते हैं, हम कहते हैं कि अगर वो अनुषी की शादी शाहरुख से नहीं करेंगे तो अनुषी घर से भाग जाएगी। पापा मुझे शाहरुख को गोली मार देंगे। ये भी ठीक कह रही है। तुम्हें शाहरुख से शादी करनी है तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। और हम प्लान करते हैं ना, प्लानिंग के बाद पापा के पास जाएंगे। पापा आप नाराज हैं या आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, मैं लूडो खेल रहा हूँ। पापा आपको पता है कि आपकी बेटियां क्या प्लान कर रही हैं? क्या? पापा आप बहुत जाकर सुन लें, उन्होंने मुझे सख्ती से आपको बताने से मना किया। अच्छा मैं जा रही हूँ, कहीं वो लोग आना चाहिए, सुन लीजिएगा। क्या हुआ, ऐसे बैठे हुए कुछ सोचा भी, कुछ प्लान किया? ये रात को भाग रही है। रात को तो सब भागते हैं, मैं सुबह भागूंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ऐसे ही करना, सुबह भागना। अनुषे मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। पापा मुझे तुम्हारा प्लान है। मेरी बेटियां ये भी कर सकती हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। हो सकता है सुबह तक अनुषे का इरादा बदल जाए और इस कमीने मारूख शाहरुख के वरखलाने में ना आए। पापा आप सोए नहीं अभी तक? क्या सोना है, ये दिन देखना भी मुकद्दर में था। नहीं पापा, दिन नहीं रात हो रही है। दिन हो या रात हो क्या फर्क पड़ता है, जिस बाप की जवान बेटियां हो उसे नींद कहाँ आती है। पापा साइंस की रूह से आप बहुत अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं। मैंने किसी किताब में इंसोम्निया का रीजन बेटियां नहीं पढ़ा। जाओ जाओ सो जाओ। ये है बाप की इज्जत।